पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले तो काम की बात, आपको तुरंत अपने भाषण के लिए तथ्य मुहैया कराने वाले व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। हद है, मतलब अगर पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो पूरा कश्मीर हमारा होता। वाकई क्या आप जानते हैं कि पटेल जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले पूरा कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थे। बकौल पटेल, और यहाँ मैं उन्हें क्विट करना चाहूंगा, ये बात उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से कही थी। तुम जूनागढ़ और कश्मीर की बात क्यों करते हो? तुम हैदराबाद की बात करो तो कश्मीर पर चर्चा की जा सकती है। 11 नवंबर 1947 को पटेल ने कहा था, हम कश्मीर पर मान सकते हैं, बशर्ते वो हैदराबाद पर सहमति दिखाएं। नेहरू की तरह पटेल भी मानते थे कि कश्मीर का विभाजन एक स्थायी समाधान हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया। पटेल ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। मोदी जी, वो किसी भी सूरत में संघ के मास्कोट या आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अंकुश लगाने का सबसे बड़ा कदम जिस व्यक्ति ने उठाया था, उसका नाम सरदार पटेल था। वो के हीरो कैसे हुए भला? ये आपकी बौखलाहट है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों का विभाजन करके आरएसएस के लिए जमीन तलाशी जाए तो संभव नहीं है। कांग्रेस को विभाजन का दोषी मानना इसलिए जायज नहीं क्योंकि जिन्ना से पहले टू नेशन थ्योरी के बाद सबसे पहले तो सावरकर ने की थी। तो उस वक्त की कांग्रेस को खलनायक क्यों बना रहे हैं? अगर मौजूदा कांग्रेस गांधी परिवार या सोनिया गांधी की भक्ति में लगी है तो वो विषय तो बिल्कुल भिन्न है। दोनों को मिला क्यों रहे हैं आप? बतौर चुनावी भाषण आपने बेशक झंडा गाड़ दिया, मगर एक प्रधानमंत्री के नाते मुझे इसमें बहुत दिक्कतें दिखाई दी। आपने ये तक बोल दिया कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच हुआ। बेनजीर तो उस वक्त बहुत छोटी थी, उनके वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो थे शिमला में। हो सकता है कि गलती से आपके मुंह से निकल गया हो। अगर एक देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनका एक एक शब्द मायने रखता है। यहाँ तो आप नर्वस थे या दबाव में या फिर ध्यान कहीं और था आपका। व्यू सिक्स, आपके भाषण की सबसे शॉकिंग बात तो वो दिखी जिसमें आपने दावा कर दिया कि नॉन परफॉर्मिंग असेट के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार थी। आप आगे कहते हैं, और यह गौर करने लायक बात है कि कांग्रेस सरकार ने 82% की बजाय 36% एनपीए घोषित किया। आपने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता में आए तो एनपीए की कुल लागत 52 लाख करोड़ थी। अब आपके ऊपर दिए गए बयानों से खुद आपकी पार्टी भागती फिर रही है क्योंकि उन्होंने आपके इस बयान के ट्वीट को डिलीट कर दिया है, गायब कर दिया है, क्योंकि बयान देने के बाद आप खुद अपनी भूल समझ गए हैं। और इस बात पर गौर कीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2014 में एनपीए का प्रतिशत सिर्फ 31% था और पीएसयू पैच और पीएसयूएस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक को करीब 52 लाख करोड़ दिए गए थे। तो क्या आप पीएसयूएस को दिए गए पैसे की बात कर रहे थे? तो मोदी जी, आपने इसे एनपीए की कुल लागत क्यों बताया? यहाँ मोदी जी, आप एडवांस को एनपीए की कुल लागत बता बैठे, जो चौंका देने वाली बात। आपके इस बयान को बीजेपी ने ट्विटर हैंडल ने तो डिलीट कर दिया है, मगर आपका बयान जो संसद में दर्ज है उसे कैसे डिलीट करेंगे? स्क्रीनशॉट मैंने नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। रेणुका चौधरी कांग्रेस नेता को आपने रावण बताया, गजब है। यानी कि मैं जानता हूँ कि वो वाकई बेकाबू होकर हंस रही थी, मगर आप प्रधानमंत्री होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके भक्त और भी ज्यादा निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। इसका प्रमाण आपको देने की जरूरत नहीं है मुझे, मगर एक प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे आपका अंदाज कुछ विचित्र लगा। आपकी बातें खटकती रही क्योंकि सत्य के पैमाने पर उसमें कई कमियां दिखी। दोहराव संवाद नहीं हो सकता क्योंकि यही दोहराव हम बाकी तमाम क्षेत्रों में देख रहे हैं। अब आखिरी साल है, उम्मीद है आप देश को जोड़ने में अहम पहल करेंगे। आपका अभिसार शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।